कालिदास ने एक जगह अपने काव्य में धीर शब्द का बहुत थोड़े में अवर्णन कर दिया। वो कहते हैं कि विकार हेतु सति विक्रियंते ये शाम न चेतांसी त एव धीरा। विकार हेतु सति विक्रियंते ये शाम न चेतांसी त एव धीरा। विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी जिसके चित्त में विकार न हो उसका नाम धीर है। खूब धन मिलने की लालच होए लेकिन मन में बेईमानी न आवे, बड़ी सुंदरी प्रेम करने वाली परस्त्री नवयुवती उपस्थित है परंतु अपने चित्त में विकार न होवे, भोजन की बहुत बढ़िया वस्तु अपने सामने उपस्थित है परंतु यदि धर्म की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ईमानदारी की दृष्टि से उस चीज को खाना ठीक नहीं है तो न खाए। मैंने अपनी बुद्धियों के प्रेरक, अपनी बुद्धि वृत्तियों के संचालक हम स्वयं हों। आपको देखना हो तो सोच ले कि देखना ठीक है कि नहीं, मुंह से बोलना हो तो सोच ले कि बोलना उचित है कि नहीं, खाना हो तो सोच विचार कर ले कि खाना ठीक है कि नहीं। तो अपनी बुद्धि को अपने काबू में रख करके जो काम करे साधारण रूप से उसका नाम धीर है। अब देखो उपनिषदों में धीर किसको कहा हुआ है, तो दोनों तरह से धीर शब्द का प्रयोग आया हुआ है। तो जहां श्रेय और प्रेय का विवेक आया कठोपनिषद में, श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते। धीर पुरुष जो है वो प्रेय की अपेक्षा इच्छाओं को प्रिय लगने वाली जो वस्तु है उसको छोड़ देता है और जो अपने लिए परिणाम में कल्याणकारी वस्तु है तो उसको वो ग्रहण करता है। बाजार में जा रहे हैं, कोई चीज दिखी खाने में, ये तो बहुत बढ़िया है, अब ये नहीं देखा कि इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा या धर्म बिगड़ेगा, तो वहां तो जीभ ने मांग की और मन उस पर गया और खरीद के खा लिया, उठा लिया भाई उठा लिया। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाहम भसी। इंद्रियां गई उनके पीछे मन गया और तुम्हारी बुद्धि का सत्यानाश हो गया, और बुद्धि का जब नाश हो गया तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसका तो नाश हो गया। इसलिए धीर पुरुष इंद्रिय प्रिय जो पदार्थ हैं उनका वर्ण नहीं करता है। आप अपने जीवन में एक निश्चय करो, क्या निश्चय करें कि आप इंद्रियों को सुख मिलने से सुखी होते हैं कि इंद्रियों के सुख का त्याग करके खुशी होते हैं। खुश आप कब होते हैं? लाख रुपया जब घर में आता है तब खुश होते हैं कि जब लाख रुपए का ट्रस्ट बना देते हैं, लाख रुपया किसी अच्छे काम में लगा देते हैं तब खुश होते हैं? आपकी खुशी कहाँ है इसको आप अपने दिल में चटोलिए। तो यदि इकट्ठा करने में, भोग भोगने में, प्रवृत्ति में ही आपका अंतःकरण सुखी होता हो, त्याग करने में सुखी न होता हो, तो आप समझें कि आप अपने जीवन में दुख के बीज बो रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपकी इंद्रियां तृप्त नहीं रह सकती हैं, हमेशा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, हमेशा भोग नहीं भोग सकते हैं। इसलिए अपने जीवन पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम किस रास्ते चल रहे हैं। हम प्रवृत्ति प्रवृत्ति का ही रस ले रहे हैं कि कभी कभी निवृत्ति का भी रस लेते हैं? तो यदि निवृत्ति का रस आपके जीवन में है तो आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं। खाने का सुख जीव का सुख है और खिलाने का सुख ईश्वर का सुख है। जो खुद खा के सुखी होता है वो जीव है और जो दूसरे को खिलाकर सुखी होता है वो ईश्वर है।
और जो बिना खाए बिना खिलाए, खाके भी सुखी खिलाके भी सुखी, बिना खाए भी सुखी और बिना खिलाए भी सुखी, जो हर हालत में सुखी है तो ब्रह्म है। तुम जीव हो कि ईश्वर हो कि ब्रह्म हो कि कहां गिरे हो, इस बात की पहचान अपने जीवन में रखनी चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो भीड़ वो है जो प्रेय को छोड़कर श्रेय का वरण करता है। नचिकेता भीड़ है, क्योंकि यमराज ने कहा कि लो संसार का भोग है, तो नचिकेता ने कहा कि नहीं, हमको भोग नहीं चाहिए, हमको तो सत्य का बोध चाहिए, सत्य का अनुभव चाहिए, सत्य का ज्ञान चाहिए। ये स्थिति अपने जीवन की होनी चाहिए। अब दूसरा देखो, श्रुति कहती है कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानवैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। धीर पुरुष कौन है? परांचिखानि व्यतृण स्वयंभू। ब्रह्मा ने संसार में जीव का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, जो सबसे बड़ी हिंसा विधाता ने इस मनुष्य की है, वो ये की है कि इंद्रियों को एक तरफा बना दिया। एक टार्क तो दिया हमारे हाथ में, परंतु टार्क ऐसा दिया जिससे बाहर दिख सके और भीतर न दिख सके। आंख बाहर तो देखती है और भीतर क्या हो रहा है इसको नहीं देखती। यदि कलेजा भी दिखता ना, पेट भी दिखता यदि आंख से, और ये मालूम पड़ता कि जिस समय हम झूठ बोलते हैं उस समय हमारे शरीर के रक्त का दबाव कैसा होता है, ये भी अगर आज से मालूम पड़ता। जिस समय हम कामांध हो जाते हैं उस समय हमारे शरीर के भीतर क्या मंथन होता है। जिस समय हम क्रोध करते हैं उस समय कैसा शैतान हमारे शरीर के भीतर काम करता होता है। अगर वो शैतान भी अपनी आंख से दिख जाता उस समय हम देवता नहीं रहते हैं, शैतान हो जाते हैं। परंतु ब्रह्मा ने क्या एक तरफा काम किया कि दूसरे को क्रोध आवे तो दिखता है और अपने को आवे तो नहीं दिखता है। दूसरा कामी दिखता है और अपना आता कामी नहीं दिखता है। अधर्म का बोझ तो पीठ पर लाद दिया और धर्म का बोझ छाती पर बैठा दिया। ये लिखा है शास्त्र में, हाँ, कि धर्म तो रहता है छाती पर, लोग दिखाते फिरते हैं हम धर्मात्मा है धर्मात्मा है, और अधर्म लाद लेते हैं पीठ पर, वो नहीं दिखता है। तो अधर्म दूसरे को दिखता है और धर्म अपने आप को दिखता है। जो लोग पीछे पड़ जाते हैं ना वो अधर्म देख सकते हैं, बड़ा पापी है। तो भाई परांची खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात परांग पश्यति नान्तरात्मन। इसलिए हम बहिर्मुख हो गए, बाहर बाहर देखते हैं भीतर नहीं देखते। अब कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मान वैचर, जो कोई धीर पुरुष है, ये धीर आया, ये जो कोई धीर पुरुष है वही प्रत्यगात्मा अपने आप को देखने में समर्थ होता है। और कब समर्थ होता है? आवृत्त चक्षु, ये अंतःकरण एक शीशा है, भला तो जब शीशे में धूल लगी रहती है तब उसमें अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। आप शीशे को साफ करके देखो तो अपना चेहरा उसमें बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा। पानी में पहले लोग अपनी सूरत देखते थे, तो यदि पानी गंदला हो और उसमें तरंगें उठ रही हो तो उसमें अपनी सूरत नहीं दिखती है। परंतु पानी स्वच्छ हो और उसमें तरंगें उठ न रही हो तब तो अपना चेहरा उसमें दिखता है। तो ये अंतःकरण पानी के समान है, सरोवर के समान, ये अंतःकरण शीशे के समान है। इसमें दो चीज नहीं हो, एक तो गंदलापन विषय वासना न हो और दूसरे मनोराज्य की तरंग न उठती हो। अपने अंतःकरण को शांत कर लो, उसमें जो कुछ दिखता है वो तो तुम्हारी परछाई दिख रही है। तुम्हारे दिल में जो दिखेगा वो दृष्टा की परछाई है, बोला उसी को वो अन्य समझ करके कहता है कि ये तो कोई दूसरा है, परमेश्वर है, ओहो कितना सुंदर है, परंतु है वो देखने वाले की छाया, वो दृष्टा की परछाई है, आभास है। देखने वाला अपने आप को ही अपने दिल में अपने अंतःकरण में देख रहा है। तो कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानवैक्षत आवृत्त चक्षुः, अपनी आंखें बंद की, संसार को देखना बंद किया, धीर हुए,
विषय वासना से विचलित नहीं हो रहे हैं, विषय वासना की स्फूर्ति नहीं हो रही है और अपने आप को अपने अंतःकरण में देख रहे हैं। बोला कच्चि धीरा, ये धीर पुरुष है। तमेव धीरो विज्ञायो प्रज्ञान पूर्वी ब्राह्मण बृहदारण्य श्रोते कहती है, नानोध्याया बहुन शब्दान वाचो विद्लापनम हित। बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, हो बड़ा भारी पोथी का पंडित और 2 रुपए के लिए झूठ बोल गया, 5 रुपए के लिए झूठ बोल गया, सिर्फ झुक जाता है। हमारे देखो दुनिया में वैसे तो बेईमानी बहुत लोग करते रहते हैं, झूठ भी बोलते हैं। अब कोई कहे कि हम 20 बरस से सत्संग करते हैं और उसके बाद तो बोले बाजार में जाके बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो हमारे सत्संग की जो संस्था है ना, वो उससे कलंकित होते हैं। हमसे कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि पहले महात्मा लोगों ने ये ईश्वर धर्म भक्ति इसलिए चलाई थी दुनिया में कि लोग ईश्वर से डरेंगे, धर्म पर विश्वास करेंगे और दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे। ये महात्मा लोगों ने ये धर्म और ईश्वर चलाया था, ऐसे कहते हैं। तो महाराज ये तुम लोगों का जो मिशन है ये विफल हो गया, असफल हो गया। तुम्हारे सत्संगी तो बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम जानते हैं जो लोग धर्म का झंडा लेकर के चलते हैं उनको ये आशा नहीं रहती कि हमारे धर्म से हमारी जीत हो जाएगी। वो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं। उनका विश्वास अधर्म पर है, उनका विश्वास अधर्म पर है। उनका ये हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी जीत हो जाएगी, ये उनको आशा नहीं है। इसलिए धर्म छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलते हैं और कहते हैं हम धर्म की जीत करावेंगे। कैसे होएगी? तो एक व्यक्ति सत्संग के रास्ते पर चले और उसका चरित्र शुद्ध न हो तो ये सत्संग के लिए बहुत बड़े कलंक की बात, लज्जा से सिर झुक जाने की बात, फिर हमारी कौन सुनेगा? आज ऐसी दुनिया आ रही है कि उस दुनिया में यदि हमारे सत्संगी ठीक नहीं होंगे तो हमारी बात कोई सुनने वाला, बाहर का आदमी कोई सुनने वाला नहीं है। ये स्थिति है। तो भाई तमेव धीरो विज्ञायो प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण नानोध्यायात बहून शब्दान वाचो विद्लापनम हित। बहुत पढ़ो मत, ये तो वाणी का विद्लापन है। मनो पढ़ने की अपेक्षा छटाक भर भी अपने जीवन में धारण करना उत्तम है। तो उसको जान करके धीर पुरुष को चाहिए कि अपनी प्रज्ञा को सदाकार करे, परमात्मा में लगावे, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करके उसका दृढ़ अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करे। अब गीता में देखो एकाध धीर शब्द की वानगी देखो गीता में, सर्वव्यापिन ओंकारम मत्वा धीरो। यदि तुम सर्वव्यापी ओंकार को जान लेते हो, यदि ये जानते हो कि ये सारी सृष्टि ओंकार स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, ये बात तुम यदि जानते हो और ये जानते हो कि सबके हृदय में बैठ करके ये ओंकार रूप जो परमात्मा है यही सबको प्रेरित कर रहा है, और यदि तुम ये जान लेते हो कि वो ओंकार अपनी आत्मा ही है, सर्वस्वरूप ओंकार है, सर्वातीत ओंकार है और अपना स्वरूप ओंकार है, कि यदि ये बात तुम जान लेते हो तो तुम्हारे लिए सृष्टि का स्वरूप ही कुछ बुरा हो जाता है। तो धीर पद की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या, मात्रा स्पर्शा सुख उन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या भारत यम ही न व्यथयंती पुरुषम पुरुषरसभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कथे। धीर बन जा, बोलिए संसार के जो विषय हैं, कभी अनुकूल बात आती है मन के सामने कैसा सुख होता है, कभी प्रतिकूल आती है दुख होता है, कभी गर्मी आती है कभी सर्दी आती है, संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध आते जाते रहते हैं और ये आते हैं और जाते हैं।
ऐसा समझो कि ये जो हमारा शरीर है एक बूंद पानी में से निकला, जीवन के मूल में से, उद्गम में से, स्रोत में से, मुंडा में से, कहिए एक उद्गम में से बर्फ जैसे ग्लेशियर में से नदी निकलती है। कैसी प्रकार जीवन की अनंत राशि में से, पूर्ण परमात्मा में से ये एक बूंद पानी आया, 3.5 हाथ का बना, हंसा खेला चला फिरा और फिर पानी पानी में उसी अनंत रस में, उसी अनंत जीवन में ये मिल जाता है। तो अब इसमें ये एक जीवन की धारा बह रही, हम सब एक यात्री हैं, यात्री हैं, हम एक यात्रा कर रहे हैं। तो कभी रास्ता अच्छा आता है तो वहां मोटर की रफ्तार बढ़ा देते हैं, भाई 60-70-80 मील की रफ्तार से भी चले जाते हैं, और कहीं रास्ता खराब आता है तो 5-10 मील की रफ्तार से भी मोटर कर लेते हैं, लेकिन अपनी यात्रा को कायम रखते हैं। ये नहीं कि लौट जाते हैं, कि गिर जाते हैं, कि बैठ जाते हैं, लक्ष्य पर तो पहुंचना है ना। इसी प्रकार अपने जीवन में कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, कभी अनुकूल रास्ता आता है, कभी प्रतिकूल रास्ता आता है, और हमको इस जीवन में चलना पड़ता है। तो हमारे जीवन में चाहिए धैर्य, हमारे जीवन में चाहिए धैर्य, हमारे जीवन में चाहिए धीरता। आगमा पाइनो अलित्या, ये अच्छे बुरे तो जिंदगी के समझो ये बुलबुले हैं, अच्छाई बुरी आती रहती है, जाती रहती है, तुम तो चलो अपने रास्ते पर चले करो। तो राम भजे जग लड़वा दे, हाथी चलता अपनी चाल से, कुतवा भुकतवा को भुकवा दे, तू तो राम भजे जग लड़वा दे, हाथी की तरह धीर होकर के अपने रास्ते में चलो। तो यम इनम यथयम पेटे पुरुषम पुरुषार्थः सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ये जो जीवन की परिस्थितियां हैं अच्छी और बुरी, अनुकूल और प्रतिकूल, ये जिसको व्यथित नहीं करती हैं, जम इनम यथयम पेटे पुरुषम पुरुषार्थः सम दुख सुखम धीरम, सुख आया तो समान, दुख आया तो समान, तो ये धीर पुरुष है। और सो मृतत्वाय कल्पते, यही अमृतत्व की प्राप्ति के योग्य होता है। तो धीर पुरुष के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सम दुख सुख स्वस्था समलोष्ठात्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति मानावमानयो तुल्य तुल्यो मित्रादि कक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। लाल कपड़ा पहन लेने से या सफेद कपड़ा पहन लेने से कोई महात्मा नहीं होता, चंदन उसका आड़ा रहता है कि लंबा रहता है, है? इससे मतलब नहीं है। माला वो तुलसी की पहनता है कि रुद्राक्ष की, का इससे कोई मतलब नहीं है। बाल उसके घुटे हुए रहते हैं कि बढ़े हुए रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सकल सूरत कभी बड़े सुंदर, एक बार एक सज्जन से बातचीत हुई, मैंने पूछा आप इनको इतना ऊंचा पद कैसे दे रहे हैं, तो बोले कि देखने में भाई इनकी सकल सूरत बहुत अच्छी है। तो सकल सूरत देख के अगर ऊंचा पद दे दोगे, माला कंठी देख करके, चंदन की बनावट देख करके, कपड़े की बनावट देख करके, नहीं नहीं, इसके लिए तो अंतःकरण की पूंजी होनी चाहिए ना, उसको धीर कहते हैं।